तो मैं अमरजोत सिंह बोल रहा हूँ इस वक्त एडमिंटन कनाडा से। इट्स अ फाइन वेदर टुडे एंड व्हाट्स द टाइम, इट्स अबाउट 1:34 PM। तभी स्नो यहाँ पड़ी नहीं है और पता नहीं क्यों पड़ी नहीं है स्नो ग्लोबल वार्मिंग करके, लेकिन वेदर इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक इन एल्बर्टा एज प्रेजेंट। एंड आई एम टॉकिंग टू मिस्टर ताहिर भट्टी। इनका एक यूट्यूब चैनल है भट्टी इन कनाडा, जो जिसको नहीं पता है वो जाके आप सर्च कर सकते हैं यूट्यूब में। और इन्होंने अपने बारे में और कनाडा के बारे में काफ़ी वीडियोस बना रखे हैं। और रूटीनली आई टॉक टू क्लाइंट्स फ्रॉम पाकिस्तान, स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तान बेस्ड, लाइक नॉट फ्रॉम मिडिल ईस्ट, पर पाकिस्तान के अंदर लाहौर कराची से। और वहाँ पर एक एक हमेशा चैलेंज रहता है कि लोगों को कैसे क्वालिफाई करें जस्ट टू गेट द विजिटर वीज़ा इन कनाडा। मैंने एक पता नहीं पुराने किसी वीडियो में कहा था, अभी पता नहीं वो सच है कि नहीं है, कि इस दुनिया में बहुत सारी मिस्ट्रीज हैं कि ये दुनिया कैसे बनी, हम कहाँ से आए, आदम हुआ की कहानी क्या है, ये यूनिवर्स किसने बनाया, ये सब तो इतनी मिस्ट्री है, उसकी तो खोज चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री है कि पाकिस्तान से पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को विजिटर वीज़ा कैसे मिलेगा। अब विजिट वीज़ा में कई एप्लीकेशन की चेकलिस्ट तो दे रखी होती है कि ये चेकलिस्ट लगा दें आप विजिट वीज़ा ले लें और कनाडा घूमने जाएं। लेकिन वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्ट्रीज इन माय पर्सनल लाइफ इज हाउ टू क्वालिफाई समबडी फ्रॉम पाकिस्तान फॉर अ विजिट वीज़ा। और इसी इसी संबंध में हम बात करेंगे ताहिर से आज और देखते हैं कि क्या क्या सूरत हाल है। और ये आप खुद विजिट वीज़ा लेकर आए हुए हैं कनाडा में और राइट नाउ आई एम टॉकिंग टू हिम इन ओंटारियो समवेयर, इज दैट राइट ताहिर? यस You're right, sir. जी, तो पहले आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं, आप करते क्या हैं और कैसे आप विजिट वीजा लेकर आए हैं पाकिस्तान से। सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया, आपके साथ चिट चैट होने का शुक्रिया। तो अमरजोत सिंह साहब वो है जिनको हम फॉलो करते थे, करते हैं, हम इनकी वीडियोस देखते थे और मतलब बड़ा अच्छा लगता था। एक शख्स कनाडा में बैठा है और बड़े अच्छे अल्फाज में चीजें बताना और बड़ी इंफॉर्मेटिव होती थी हैं। तो हम करते करते काफी सारे देखते, फिर हमें ना कुछ एक जुनून चढ़ा कि यार अगर लोग वहां जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं, हमारे भी दो कान है, नाक है, दो आंखें हैं, तो व्हाई नॉट वी। हाँ, तो उसके अंदर फिर कुछ लोग इन्वॉल्व थे, एक माफिया था जिसे हम कहते हैं एजेंट माफिया, जो हर जगह होता है। सिंह साहब आप इसे एग्री करेंगे कि जिसको आता जाता कुछ नहीं, जैसे आप रेगुलेटेड हैं, आप IRCC के साथ हैं रेगुलेटेड, तो वो जो एजेंट माफिया वो एक अलग उसमें था। अच्छा, फिर हम जैसे चले, अल्हम्दुलिल्लाह मैं डबल मास्टर हूँ, मैंने मास्टर किए हुए मुख्तलिफ दो सब्जेक्ट्स में, लेकिन बाय प्रोफेशन आई एम अ प्लम्बर। करना क्या था, एक ऐसी फील्ड थी जिसके अंदर बमुश्किल हम लोग अपना गुजारा कर सकते हैं, सर्वाइवल जिसे कहते हैं सर्वाइवल, घर का खर्चा खर्चा करना, ये करना। होना क्या था, इत्तेफाकन इस अरसे के दौरान आपके एक बहुत बड़े फैन है, दोस्त है हमारे और बहुत बड़े आपके फैन भी हैं पाकिस्तान से, अगर आप माइंड ना करें तो मैं उनका नाम भी ले दूंगा। तो आपके, मैंने मैंने क्या बताया, हाँ आपके बहुत बड़े फैन है, पिक्स ट्यूब के ओनर है नादिर हुसैन, हुसैन साहब के नाम से बहुत बड़े फैन है आपके। तो उन्होंने मुझे कहा, और हम काफी अच्छे से दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कहा ताहिर और कोई रास्ता तो नहीं, ये एक रेड सील है, अगर इसको देख लो। तो सिंह साहब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया, रेड सील, रेड सील है क्या, रेड सील से होगा क्या, मिलेगा क्या, रेड सील सिर्फ वर्किंग कर सकता है कनाडा में, आउटसाइड इसका कोई फायदा ही नहीं, ना आपको कुछ इसका कोई कोई फायदा है, ना कोई अच्छी जॉब मिलेगी आपको, ना कुछ मिलेगा। हाँ, इनसाइड कनाडा आपको जॉब भी मिल सकती है, आप अच्छे तरीके से इसको कर भी सकते हैं। अच्छा, लेकिन उसके लिए आपको इसको क्लियर करना है इम्तिहान को, और मैं अक्सर वीडियोस देखता हूँ आपकी, और माशाल्लाह मेरे भी कुछ फॉलोअर्स हैं सब्सक्राइबर जिनको जॉब मिल चुकी है, सब ब्रिटिश कोलंबिया में जॉब कर रहे हैं, और आपके मैंने देखी है मोस्टली वीडियोस, मैं आपके देखता हूँ, छोड़ता नहीं हूँ, और बाद में भी देखता हूँ, जिसके अंदर आप अक्सर बता रहे होते हैं कि जॉब्स मिल गई उनको और वो बैठे हैं काम कर रहे हैं और वो इंटरव्यूज लिए हैं आपने। तो ये एक रास्ता था, सोचा देखा स्टडी किया। अच्छा, अब कुछ लोग बगैर बिना स्टडी किए इसके ऊपर धड़ाधड़ लगे हुए, जैसे कहते हैं ना बिल्कुल इसको सोच नहीं रहे, स्टडी नहीं कर रहे, पढ़ नहीं रहे इसको, और उन्होंने कहा जी बस ये ताहिर चला गया तो चलो भाई हम भी चले जाए इसके ऊपर। और कुछ देर पहले जो हमसे बात हो रही थी कि दरख्तों के ऊपर जो यहाँ डॉलर लगे ना वो लेने के लिए, वो आने के चाह रहे हैं कि यहाँ दरख्तों से डॉलर उतारे। तो सिंह साहब ये छोटी सी कहानी थी आपकी मोहब्बतों से जब शुरू हुई यहाँ तक पहुंच गया जब आपके सामने बैठे हुए। थोड़े थोड़े राज खोले कि आप जितना बता सकते हैं बताएं कि आपने जो विजिट वीजा की एप्लीकेशन डाली ऑनलाइन फ्रॉम पाकिस्तान, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके लगे थे, क्या क्या अहम
इंफॉर्मेशन और बिट्स और पीसेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगाए थे जिसके जिससे कि आपको पहली बार, और इससे पहले आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है अमेरिका कनाडा और उधर यूरोप शूरोप कहीं की हिस्ट्री नहीं है, तो पहली बार में पहले झटके में खाली पासपोर्ट पे ग्रीन पासपोर्ट पे आपको मल्टीपल वीजा मिल गया, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए उसके बारे में बताएं। अच्छा सिंह साहब, इसमें थोड़ा सा एक मैं क्लियर करना चाहूंगा कि ये जो रेड सील का इन्विटेशन है ना, ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। जिसमें मैं कहता हूँ इन्विटेशन, ये जो अप्रूवल लेटर होता है वो बहुत पावरफुल है, उसको जितना वो पावरफुल है ना उससे डबल हमने अपने आप को वहां शो करना है। जो मेरा बेस कैंप है, जो मेरा बेस कैंप है, मैंने वहां अपने आप को डबल शो करना है। तो उसको उस बिहाफ पे आके जब मैंने देखा, जब मुझे अप्रूवल मिल गई, पहले देखा इम्तिहान ही थी, आई एम द फर्स्ट पाकिस्तानी जिसको वीजा लगा, मैं यहाँ आया। तो अप्रूवल आने के बाद मैंने सोचा, अपने उसी दोस्त नादिर हुसैन साहब से मैंने, हम बैठे, हमने रहा कि हमने ऐसे कुछ एजेंटों से मिलने की कोशिश की, लेकिन उनके बहुत ज्यादा हम नखरे आए थे। फिर हमने सोचा कि नहीं, खुद करेंगे, क्या होगा, रिफ्यूजल आएगा, नॉट अ बिग डील, लेकिन करेंगे, खुद हारेंगे, करके हार जाऊंगा वो बेहतर है बजाय इसके कि मैं वैसे हार जाऊं जी। तो हमने देखा, अच्छा उसके ऊपर जब हमने देखा स्टार्ट किया, तो मैंने जीसी की से अप्लाई किया था जब करते, हाँ जीसी की से मैंने अप्लाई किया, तो करते करते करते, अच्छा जब मैंने इसको देखा कि यार ये कितना स्ट्रांग है, तो मेरे पास इसके डबल स्ट्रांग होना चाहिए। अच्छा उसमें मैंने अपने जॉब्स के लेटर बनवाए, जो मेरा जॉब था, मतलब मेरी जॉब, उसके NOC, छुट्टी नोटिफिकेशन, मेरा छुट्टी का होना चाहिए, उसके साथ मेरी कंफर्मेशन जॉब की, मेरी पे स्लिप होनी चाहिए, मैं एक प्रॉपर कंपनी में काम करता हूँ, तो वो डॉक्यूमेंट सोचे। फिर मेरी बैंक स्टेटमेंट, अच्छा बैंक स्टेटमेंट बाद में डिस्कस कर लेते हैं उसको भी आके, और फिर मेरी फैमिली टाइज, कि मेरी फैमिली टाइज यहाँ क्या है। अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी फैमिली टाइज यहाँ पे है, उनके वीजे रिफ्यूज हुए हैं, उसकी वजह से वीजे रिफ्यूज हुए। फिर पाकिस्तान में मेरी फैमिली टाइज क्या है, मेरी जॉब रेगुलर है, मेरे घर वाले हैं, मेरे फैमिली, मेरे बच्चे हैं, मेरी मिसिस क्या कर रही है, मेरे बच्चे स्कूलिंग करते हैं, या प्रॉपर्टीज, ईच एंड एवरी, ये चीजें हमने देख के इस चीजों को लेके हम आगे चले। सिंह साहब अब थोड़ी अब मैं पर्सनल बातें पूछूंगा अगर आप, क्योंकि प्राइवेसी की हम यहाँ पर रिस्पेक्ट करते हैं, आपकी तनख्वाह कितनी थी पाकिस्तान में पर मंथ? अच्छा पर मंथ मेरी तनख्वाह थी जनाब 44,000। अच्छा 44,000 आपकी पाकिस्तान रुपीस तनख्वाह थी, और कितने साल से इस कंपनी में काम कर रहे थे एज अ प्लम्बर? एज अ प्लम्बर मैं कर रहा हूँ 2008 से। अच्छा ठीक है जी, और आपने कहा कि आपके पास दो दो मास्टर डिग्री भी हैं, ठीक है, और बैंक में फंड्स अप्रोक्सीमेटली कितने दिखाए हैं उस वक्त ऑन द टाइम ऑफ वीजा? या या सच सच बता दो, मैंने आज तक बताया नहीं वैसे। आप जितना जितनी आपकी मर्जी है उतना बता सकते हैं, जितनी जहां मर्जी नहीं है ना नहीं बताएं। अच्छा ये इतना था कि ना होने के बराबर थे, ना होने के बराबर थे, चलो ना होने के बराबर फंड्स हैं, 44,000 आपकी वो है सैलरी है, और कुछ साल से आप काम कर रहे हैं प्लम्बर, और पहले कभी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, और आपने अप्लाई किया ऑनलाइन, अप्लाई किया ऑनलाइन बना के जीसी की बना के, और आपका जो वीजा लगा है वो अबू धाबी से लगा होगा शायद? अबू धाबी से लगा। कितने दिनों में? सिंह साहब ये मैंने अप्लाई किया था 17 अगस्त को, 17 अगस्त 2022, 2022 18 अगस्त 2022 को मेरे बायोमेट्रिक्स हो गए वेरी नेक्स्ट डे, बट मुझे वीजा मिला 9 जनवरी 2023। बहुत अप्रूवल आई आपके 5 महीने बाद करी? 5 महीने बाद आई जी। जी जी चलिए ठीक है, तो इससे इससे हमें क्या सीखने को मिला? अच्छा, और आपका as you also said कि आपका कोई फैमिली रिलेटिव्स या दोस्त वगैरह कोई कनाडा में नहीं है या नहीं थे? तब भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था? कोई भी नहीं। हाँ तो इतना या इतना आसान है कि इस तरह के प्रोफाइल को हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को, क्योंकि बहुत हजारों लोग हैं जो ऐसे काम कर रहे हैं, ऐसी इतनी तनख्वाह है, इतने पैसे हैं, और रेड सील के लिए वो इनविटेशन भी आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई इलेक्ट्रीशियन है, कोई कोई क्रेन ऑपरेटर है, कोई कुछ है, तो आ सकता है। ये तो फिर बहुत ही ईजी फॉर्मूला हो जाएगा फिर तो। इसके साथ मैं समझता हूँ आपकी लक भी तो चलती है सिंह साहब। लक, अब लक के बारे में तो हम यहाँ पर ये इस डिस्कशन में लक तो हमारा कहीं, अब पता नहीं कहाँ इसको अकोमोडेट करें। लक का क्या मतलब है? लक का मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे आप जैसे प्रोफाइल, जी जी, आप जैसे प्रोफाइल, सेम टू सेम आप जैसे प्रोफाइल अगर 10 लोग अप्लाई करें, 10ों का वीजा नहीं लग सकता? मे बी
That's right. So luck to unknown factor है, पता नहीं कौन सा वीजा ऑफिसर कौन सा आपकी एप्लीकेशन उठा के देख लिया, किस मूड में है, क्या देखे क्या करे, खड़ा कर उसने अप्रूव कर दिया. इट यू आर गिविंग मिस्ट्री एलिमेंट टू से दिस इज अ लक फैक्टर. लक अगर लक फैक्टर है वो तो ये है कि हवा में तीर चलाएं, कोई बंदूक गोली चला दे, पता नहीं कहाँ लग जाए, किसको लग जाए, वो तो पता नहीं ना. लेकिन निशाने पर लेकर जो भी इमिग्रेशन लॉयर्स और कंसल्टेंट जो ऑथराइज हैं वो करते हैं, ऑफकोर्स दे आर ट्राइंग टू डू द बेस्ट कि उसको प्रेजेंट कर रहे हैं. तीन चार बातें होती हैं विजिट वीजा में, चाहे आपके पास इन्विटेशन है या नहीं है, तीन चार बातें हैं. एक तो ये है कि आपके कनेक्शन आपके होम कंट्रीज से हैं, जैसे आपकी नौकरी है, पैसा है और फैमिली है, घर है, प्रॉपर्टी है, वो राजस्व कहते हैं कनेक्शन है. एक तो ये फैक्टर हो गया. दूसरा ये है कि आप जा क्यों रहे हैं, किस मकसद से जा रहे हैं, तो आपके पास रेड सील का इन्विटेशन है, वो दूसरा फैक्टर है. तीसरा फैक्टर ये है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है. ट्रैवल हिस्ट्री मतलब एक तो शख्स हो ना कि सारी दुनिया घूम चुका हो, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप सब घूम चुका हो, उसके पासपोर्ट भरे पड़े हैं वीजों से, अब वो कह रहा है कनाडा जाना, तो वो एक अलग चीज है. लेकिन जो खाली पासपोर्ट पे जा रहा है पहली बार, तो उसको हम देखते हैं कि जो बंदा आज तक कभी तुर्की नहीं गया, कभी दुबई नहीं गया, वो एकदम पहले झटके में लंबी छलांग लगा के जा रहा है, तो वो एक फैक्टर है. चौथा फैक्टर मैं सोचता हूँ कि ये है कि आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है. हर एक इंसान ये कहता है कि मैं वापस आऊंगा, मैं वापस वहां से ट्रेनिंग करके घूम के वापस आऊंगा, अपने वतन की मैं वो करूंगा, यहाँ पर सर वो करूंगा कि अपने कंट्री को कंट्रीब्यूट करूंगा, ये वगैरह वगैरह तरह तरह की कहानियां लिखते हैं विजिट वीजा में, स्टडी वीजा में, वर्क वीजा में. लेकिन आता कोई नहीं है. और स्टैटिस्टिकल रेशियो तो सब वीजा ऑफिसर को पता है कि पाकिस्तानी पासपोर्ट हो चाहे इंडियन पासपोर्ट है, बांग्लादेशी कोई पासपोर्ट हो, 99.9% चांस है एक बार जो आदमी गया, बहुत ही रेयर एक चीज है कि वो वापस आ जाए अपनी मर्जी से. हाँ कोई मजबूरी है, कुछ है, धक्का देके निकाले तो वो बात है, अपनी मर्जी से खुशी खुशी वापस आ जाए और फिर जाए, बहुत ही रेयर ये है. मतलब अनलेस समबडी इज अ वेरी हाईली क्वालिफाइड बिजनेसमैन या कोई सरकारी नौकरी हो जैसे सिविल सर्विस या समथिंग. तो ये चार फैक्टर्स हैं विजिट वीजा के. तो इसमें आपको वीजा मिला, मैं थोड़ा सा हैरान भी हुआ जो आपको वीजा मिला, और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इतना इजी है, अगर लक फैक्टर को हटा दे इतना इजी है, तो यहाँ तो फिर पाकिस्तान से तो लाइनें लग जाएंगी. वहां तो कम से कम 1 लाख निकल आएंगे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डर और ये जो बेकर, कुक्स और ये ट्रेड और यू नो कारपेंटर, कंस्ट्रक्शन वाले बहुत सारे निकल आएंगे, धड़ाधड़ वीजे की लाइन लग जाएगी फिर तो. मुझे एक चीज बात समझ आती है कि जब हम अपना केस प्रेजेंट करते हैं ना, उसमें हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए. मुझे वीजा ऑफिसर को झूठ नहीं बोलना चाहिए कि मेरा जो कवर लेटर था वो टोटल 12 लाइनों का था. आई कैन शेयर विद यू 12 लाइनें. मैं कौन हूँ, क्यों जा रहा हूँ और वापस क्यों आऊंगा, दैट्स इट. उसके अंदर कोई ऐसी चीज नहीं थी. चलो मैं यहीं पे रोक देता हूँ आपको. अच्छी बात है कवर लेटर छोटा ही होना चाहिए, छोटा ही रखना चाहिए. लेकिन ये आपने क्या तकरीर दी उसमें कि वापस क्यों आऊंगा? Because मेरी जॉब, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, ठीक है, मेरी फैमिली टाइज, हम जैसे आपको पता है एशियंस, आप भी, हम भी, माशाल्लाह हम 7 बहन भाई हैं, वालदैन हैं, मेरे अपने 3 बच्चे, मेरी फैमिली, फिर मेरी मिसेज जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब है यहाँ पे पाकिस्तान में. ये सब बदर लक की फैक्टर है. देखिए मैं आपको, I have done hundreds and hundreds of cases. आपने अभी कहा लक को हटा देते हैं, हम लक से हटा के बात करेंगे अब. लेकिन अब ये जो फैक्टर है कि मेरे फैमिली है, मेरी नौकरी है, मेरे प्रॉपर्टी है, मेरी वाइफ है, गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह, ये सब ठीक है. लेकिन ऐसे दर्जनों एग्जांपल हैं जिसके पास ये सब भी था लेकिन वो फिर भी वापस नहीं आया. हाँ, उसमें थोड़ा सा मैं एक बात को बताऊं, शायद मैं अभी इस लहज पे आके ये समझ पाया हूँ कि जब अपना केस रिप्रेजेंट करते हैं और वो केस खुलना चाहिए, आपका केस इतना हैंडसम हो कि वो वीजा ऑफिसर, शायद मे भी आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, लेकिन वो केस खोले आपका, ना कि वो चाइना हो या कोई ऐसे सिस्टम में जाए और वहीं से देके ठग रिफ्यूज, लेकिन केस खुलना चाहिए, वो फाइल किसी तरीके से खुले. उस फाइल को हैंडसम बनाने के लिए सर हमें मेहनत करनी पड़ेगी. अब जैसे मैंने अपने वीजे के अंदर सर कोई होटल बुकिंग नहीं लगाई थी, कोई टिकट रिजर्वेशन नहीं था मेरा कि मैं जाऊँ, ये मेरा टिकट या कुछ है, ये वापस आऊँ, उसकी जरूरत ही नहीं है, ना कभी वो मांगते हैं और ना इसमें होती है ये चीज. अभी अब मैं आप यहाँ पर एक ट्विस्ट डाल देता हूँ. ये तो ठीक है कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, आपकी ये ऐसे कनेक्शन है, वो उस इंसान का क्या जो शादीशुदा नहीं है, जिसकी उम्र 25 साल 26 साल है, वो क्या लिखेगा? वो सर वो बंदा आ गया है, वो बंदा भी आ चुका है. अच्छा, नहीं चलो ठीक है, आ गया, पर आई एम जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड के
वो बंदा क्या लिखेगा जिसकी शादी, जिसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, जिसकी चलो नौकरी तो है, जिसकी जिसके कोई ऐसा कोई फैमिली नहीं है कनेक्शन जिसको लेकर वापस आएगा, वो क्या, वो कैसे जस्टिफाई करेगा कि मैं वापस आऊंगा? फैमिली बिल्कुल खत्म भी तो नहीं कर सकते ना, हमारी कुछ तो फैमिली होगी। फैमिली चलो वालदैन है, मदर फादर के लिए कौन आता है? देखिए अगर किसी को ओवरस्टे करना है, देखिए ऐसा है, इट्स वेरी सिंपल, हजारों वर्क परमिट वाले हैं, हजारों स्टूडेंट हैं और बिजनेसमैन भी है जिनकी फैमिली भी है वहां पर, कनेक्शन भी है, लेकिन वो फिर भी वो चांस ले रहे हैं कि कनाडा आके सेट होना है, कहीं ना कहीं जुगाड़ करना है, नौकरी करनी, कुछ करना है, शादी करनी, कुछ करना है। उसके बाद जब सेट हो जाएंगे तो अपने वालदैन को भी बुला लेंगे, विलेज चलेंगे, तो क्या जरूरी थोड़ी कि हमें एक महीने बाद जाना है, आई कैन गो देम टू सी देम आफ्टर वन ईयर और टू ईयर। तो ये कोई फैमिली फैक्टर तो कोई स्ट्रॉन्ग फैक्टर नहीं है मेरे हिसाब से। सर इसमें मैं तो कहता हूँ फिर हमारे जो बैंक स्टेटमेंट वो भी स्ट्रॉन्ग नहीं है, मैं तो नहीं मानता। बिल्कुल आपने सही कहा, बैंक स्टेटमेंट में आजकल वैसे ही डॉलर की वैल्यू बहुत ज्यादा है वहां पर, तो बैंक स्टेटमेंट अगर आपके पास 3-4 लाख रुपए है, 5 लाख रुपए है, विच इज नॉट इनफ, यहाँ पर खर्चा कितना है वो है, तो फिर फैक्टर क्या है? फिर तो लकी फैक्टर हो गया, और तो कोई फैक्टर है नहीं। फैक्टर के अलावा आपकी फाइल खुलनी चाहिए सर, यहाँ पे फाइल्स नहीं खुल रही, यहाँ पे वीजा फाइल जो है ना वो नहीं खुल रही। वीजा उसकी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं थोड़ा सा शेयर कर देता हूँ जो मेरी ऑब्जर्वेशन है। जिसको आपने कहा कि फाइल नहीं खुलती है, फाइल हमेशा कंप्यूटर खोलता है पहले, जो शिन्यू सॉफ्टवेयर है ना, हमेशा आज के पिछले 2 साल से फाइल हमेशा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर खोलेगा, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कुछ पढ़ेगा, उसको रीड करेगा कीवर्ड्स वगैरह, और अपना एक उसको जिसको कहते हैं ट्रियाज कहते हैं हम यहाँ पर, उसको थोड़ा सा उसको उस पर अपने नोट्स बना के आगे फॉरवर्ड करेगा किसी ह्यूमन ऑफिसर के सामने। लेकिन जो पहला जो है, पहला हमेशा ही कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पड़ेगा, इट इज नॉट गोइंग टू हैपन कि कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के बगैर चला, क्योंकि ऐसे तो वीजा ऑफिसर्स कम है और तादाद बहुत ज्यादा है, तो लाखों की एप्लीकेशंस आ रही है डिफरेंट डायरेक्शन से, तो वो पॉसिबल नहीं है कि इतने हम यहाँ पर 10,000 वीजा ऑफिसर की तैनाती कर दें, यहाँ पर सब जने खोल, ऐसा नहीं होगा। तो पहले उसको सॉफ्टवेयर पड़ेगा और उसको फिर वो आगे फॉरवर्ड करता है जहां पर उसको लगता है कि यहाँ पर सीरियस है, नॉन सीरियस है, कुछ है, प्रॉब्लम है, देन दे सेंड टू द राइट क्यू, राइट लाइन में वो भेज देता, तो ऐसे होता है। हाँ, डिसीजन लेने से पहले जो यस नो करने से पहले कोई ह्यूमन ऑफिसर ही करेगा। पर सर अभी जो आए हमारे पास रिफ्यूजल, आपके पास आए हैं, आपने देखा वो जेनेरिक रिफ्यूजल्स हैं सर, इसका मतलब ये नहीं है कि उसको ह्यूमन ऑफिसर ने नहीं देखा। ह्यूमन ऑफिसर भी एक जो उनके पास टूल्स हैं, स्पेशली जब रिफ्यूज करने के लिए, अप्रूवल के तो छोड़ दें, जब रिफ्यूजल करते हैं तो उनके पास उनके कंप्यूटर पे ना एक तरह तरह के वो बने होते हैं, जैसे एक टैब बने होते हैं कि भाई हाँ भी रिफ्यूजल करना है, ये क्लिक क्लिक, तो वो टैब कॉपी होकर अपना यहीं पर आ जाएगा कि भाई यू विल नॉट कम बैक, टिक यहाँ कर देना कि यू हैव इनसफिशिएंट पर्सनल एसेट्स और मनी और समथिंग, टिक यहाँ कि भाई यू हैव गिवन अनट्रस्टफुल इन्फॉर्मेशन। सो उनके उनके 10-12 वो जो रीजन है ना बड़े बड़े बने हुए हैं, उसको आदमी को सिर्फ बैठ के, इट हार्डली टेक्स 90 seconds, बाय द वे सिर्फ 90 seconds और एवरेज टाइम है यस नो करने का। तो खड़ा कर एक वीजा ऑफिसर रोज के, मैं समझता हूँ कि रोज के करीब करीब मेरे ख्याल 150-200 वीजा एप्लीकेशन निपटा देता है खड़ा कर, उस पर इतना सोचने का टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी देखता है क्या है, कुछ है, कुछ पता लग गया, स्पेलिंग मिस्टेक क्या है, कुछ यू नो वेरीफाई पुराना इसी, और विद इन 90 seconds के अंदर क्लिक क्लिक यस करके उसको ऐसे करेगा तो ऑफिस यू नो इमीडिएटली उसको वो कॉपी पेस्ट होकर उसमें आ जाएगा और वो लेटर रिफ्यूजल चला जाएगा, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, जैसे हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर लक भी नहीं डिपेंड, कहते हैं जी अगर बैंक स्टेटमेंट भी नहीं हो रही, लक भी नहीं हो रही, कंप्यूटर भी नहीं कर रहा और वो उसके पास जा रहा है, तो सर ये कैसे मुमकिन है? मतलब या तो फिर हम इसको फिर ये देखते हैं कि हमें, क्योंकि वीजा ऑफिसर ना पढ़ के बैठा हुआ है, जो साइड बैठा है ना वो पढ़ के आया हुआ इमिग्रेशन, हम लोग तो अनपढ़ है ना, हम लोगों से इमिग्रेशन नहीं पढ़ी, जो वीजा डाल रहे हैं वहां से बैठ के, तो वो जो लिखते हैं ना झूठ, जो झूठ कहानियां हम उस फाइलों में डालते हैं, या वो लोग जो झूठी कहानियां डालते हैं, मेरा ख्याल है उसके बाद आके ना वीजा ऑफिसर वही उस चीज को ठप कर जाता है कि यार ये सारा कुछ मुझे पता है, ये फिल्मी कहानी है। आपकी बात सही है। मैं स्पेशली आपको बात सुना दूं स्टूडेंट वीजा के बारे में। स्टूडेंट वीजा लेकर यहाँ पर कैनेडा में हर एक साल कम से कम 5-6 लाख स्टूडेंट उतरते हैं यहाँ पर कैनेडा में ऑन एन एवरेज। उसमें से 2.5 लाख तो सिर्फ इंडिया से हैं, बाकी चाइना वाइना से अलग अलग हैं, तो 1/3 जो स्टूडेंट्स हैं दुनिया के सिर्फ इंडिया से आते हैं। अब इंडिया वालों की एप्लीकेशन तो मैंने हजारों में देखी है कि भाई वो लिखते क्या है, घूम फिरा के वो कहानी लिख रहे हैं सारी, लेकिन उसमें एक बात हमेशा लिखते हैं कि भाई आई विल कम बैक टू सर्व माई कंट्री और मैं अपनी भारत की प्रोग्रेस करूंगा, मैं ये सीख के आऊंगा, मैं HR मैनेजमेंट करके मैं भारत को ऐसे पहुंचा दूंगा
इसमें सदी में इसकी प्रोग्रेस होगी। अब हर एक वीजा ऑफिसर को पता है ये सरासर झूठ है, ये कभी नहीं होने वाला, क्योंकि स्टूडेंट तो कभी आज तक कोई वापस नहीं गया। स्टूडेंट स्टूडेंट वही वापस जाएगा जब तक उसको धक्के ना दे, जब तक वापस नहीं जाएगा, तो तब भी वीजा मिल रहा है। इतना झूठ लिखने के बाद, इतनी बॉलीवुड की कहानी लिखने के बाद यहाँ पर उसके बाद फिर भी उसको वीजा मिल रहा है। इनफैक्ट स्टूडेंट जो है, चाहे कहीं के भी स्टूडेंट हो, चाहे चाइना के हों, चाहे अफ्रीका के हों, चाहे यू नो एक्स वाई जेड कहीं के भी हो, स्टूडेंट जो है, इट इज दे आर गेटिंग अ टेम्पररी वीजा फॉर 2 years 3 years, बट 100% मान के चलो कि वो उसका इरादा है कि कभी वापस नहीं जाएगा, तो उसको वीजा देते क्यों है। अब इसमें क्या है कि कैनेडियन सरकार की एक सोची समझी एक पॉलिसी है, स्ट्रेटजी है कि स्टूडेंट को पकड़ के हमें उनको कन्वर्ट करना है पीआर के लिए, तो वो दे ही जा रहे हैं। लेकिन तो फिर वीजा ऑफिसर का फर्क, फिर उसका क्या हुआ, वीजा ऑफिसर का रोल क्या है? जो स्टूडेंट जिसके पास इतना खड़ा कर उसको वीजा दे ही जाओ, मिस लाइक वीजा ऑन अराइवल ही कर दो स्टूडेंट के लिए, फिर तो क्या प्रॉब्लम है। तो लेकिन फिर भी किसी को रिफ्यूज हो जाता है, और बिल्कुल ही बेहूदी रीजन से रिफ्यूज हो जाता है। एट द एंड ऑफ द गेम ब्रदर, ऐसा है कि जो टेम्पररी वीजा है, चाहे वर्क वीजा हो, चाहे विजिट वीजा हो, चाहे यू नो लाइक स्टडी वीजा हो, इट विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री टू मी एंड टू मेनी लॉयर्स। कई लॉयर्स हैं वो तो विजिट वीजा करते ही नहीं है, वो कहते भी हमारे बस की बात नहीं है, आप एप्लीकेशन भरो, अपना मिल गया ठीक जाए, ठीक है, फिर देखेंगे। हाँ, रिफ्यूजल होगा तो हम पैसे बनाएंगे, हम अपील करेंगे, फलाना करेंगे, वो ठीक है। लेकिन इनिशियल द फर्स्ट टाइम विजिट वीजा रिफ्यूजल है, इट इज द मोस्ट मिस्टीरियस थिंग्स एवर इन्वेंटेड इन दिस यूनिवर्स, कि किसको वीजा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, नोबडी नोस। लेकिन आपने कहा कि दूसरा बंदा भी आ गया, दूसरा क्या उसका बैकग्राउंड था? सर वो भी प्लम्बर है, ही इज आल्सो अ प्लम्बर, और वो भी आप समझे वो तो किसी ऑफिशियल जॉब में भी नहीं था, वो दुकान पे काम करता है। अच्छा, एक शॉप पे काम करता है, तो शॉप पे उसकी वही, अच्छा डॉक्यूमेंटेशन उसकी वही थी, शॉप वाली सारा कुछ बना के, और मतलब अब अगर आप अगर हम बताएं तो उसका बैंक स्टेटमेंट भी नहीं था, 4 महीने 5 महीने पहले उसने बैंक अकाउंट खोला अपना। और जस्ट टू कंफर्म के पहले कभी कोई वीजा नहीं मिला किसी कंट्री का, कोई वीजा नहीं किसी कंट्री का, और छोटी दुकान पे काम कर रहे हैं, और रेड सील का एग्जाम देने आ रहे हैं, और फंड्स भी नहीं है। सो इट इज अ साइन ऑफ, मे बी हो सकता है कि देयर इज अ एटीट्यूड चेंज इन अ सर्टेन, ये दो आपने केस बताया प्लम्बर के, अब बाकी को पता नहीं। इसके अलावा मशीनिस्ट हैं तकरीबन इस वक्त जो मेरे नॉलेज में है, जो मेरे पास ग्रुप में है, हम 36 लोग हैं, 36% वीजा ऑन रेड सील, और कुछ वो अभी लैंड कर रहे हैं, कुछ सरी में हैं, आ चुके हैं एग्जाम दे रहे हैं, कुछ आने वाले हैं, और वो एग्जाम देने आए हुए हैं, और कुछ आ चुके हैं, 36 बंदे हैं जो आ रहे हैं एग्जाम देने के लिए। एक चीज मैं आपको शायद ये मैं महसूस करता हूँ, एक ये जरूर है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि जो रेड सील पे जो ट्रेड के लोग है ना, जो टेक्निकल के ट्रेड कहते हैं इसको, इनकी प्रायोरिटी तो है इस वक्त एज कम्पेयर टू मैनेजर्स एंड अकाउंटेंट्स एंड अदर, वो सॉफ्टवेयर उनसे ज्यादा प्रायोरिटी एक उसकी है जो ऐसे वेल्डर है, प्लम्बर है। तो हो सकता है कि थोड़ा सा एक आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड कोटा, पर हो सकता है दे आर ट्राइंग टू एनकरेज मोर ट्रेड्स पीपल टू गेट क्वालिफाइड, दैट इज अ पॉसिबिलिटी, आई कैन नॉट कन्फर्म, बट दैट्स अ पॉसिबिलिटी। पर वो और ये सब अबूधाबी से लग रहे हैं, ये भी एक बड़ी हैरानी वाली बातें हैं, सब अबूधाबी से लग, क्योंकि अबूधाबी में ही जो लोग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन, जो एक प्लम्बर या वेल्डर जो अबूधाबी में ही काम कर रहा है, दुबई में ही काम कर रहा है, और उसके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, सब कुछ है, उसका वीजा रिफ्यूज है, एक बार दो बार भी रिफ्यूज कर दिया, और सिर्फ इसलिए कि यू विल नॉट कम बैक, और एंड सेम पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसके पास पैसा भी है, नौकरी भी है, पिछले 10 साल का रिकॉर्ड भी है, प्रीटी मच एवरीथिंग, और छोटी मोटी कंट्रीज जैसे सऊदी, ओमान, शुमान ऐसे घूमा हुआ है वो, लेकिन उसका रिफ्यूज कर दिया। सो इट विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री कि किसको वीजा मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, इवेंचुअली इट इज ऑल कि किस ऑफिसर के पास जाएगा, या यू नो सिंह साहब कैसे आपको पता है सऊदी अरब से क्या रेशियो चल रहा है टाइम पे? सऊदी अरब से ज्यादा होगा, ज्यादा ही होना चाहिए, और ज्यादा होगा 100%। और जस्ट वन डे, और जस्ट वन डे में वीजा अप्रूवल, एक दिन में, दैट्स राइट। सऊदी अरब में वन डे का मैं मान सकता हूं, क्योंकि उसमें वहां पर की इतनी इन्वेंटरी या क्यू नहीं है वहां पर, तो मैं मान सकता हूं कि वो मैं अगर आपको वीडियो भेजूं आप देख सकते हैं, 24 अक्टूबर को वो शख्स बायोमेट्रिक करवा रहा है, और 25 को वीजा पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही है। मेरे पास ऐसे भी हैं अबू धाबी से,
जिन्होंने आज बायोमेट्रिक कराया और सुबह कराया और शाम को रिफ्यूज हो गया। अच्छा ऐसे भी हैं कि विदाउट बायोमेट्रिक भी रिफ्यूज हुआ है, ऐसे केसेस भी हैं। अरे वो तो गलती लगी हुई किसी को, या तो हो सकता है पुराना बायोमेट्रिक, वो तो बायोमेट्रिक इज अ टेक्निकल रिक्वायरमेंट, बायोमेट्रिक हैज नथिंग टू डू विद यस और नो, पर कई बार कहना बड़ा मुश्किल है। एज आई सेड अर्लियर, यू नो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, देयर आर मिस्ट्री इन एलिमेंट इन इमिग्रेशन प्रैक्टिस के, क्या चीज होती है, क्यों चीज। देखिए इमिग्रेशन लॉयर्स पैसे बनाते हैं बड़ी बड़ी एप्लीकेशन में, जैसे कोई अपील करनी है या कोई PR का है उसमें है, या LMI है, वर्क परमिट है, समथिंग वो वाली है। अब विजिट वीजा में तो ठीक है, आपने 4 फॉर्म्स भरने हैं 3 फॉर्म्स भरने हैं, आपने उसको उठा के सबमिट कर देना है। वो एक वेरी डिस्क्रिशनरी फैक्टर है। डिस्क्रिशन मतलब कि हमें एक अनजान आदमी कहीं बैठा है या खातून बैठी है, वो देख रही है कि भाई इसको हम दें ना दें, देयर इज नथिंग टू, इसमें कानून का कोई चक्कर नहीं है। सिर्फ हमें सेटिस्फाई करना होगा कि भाई दिस पर्सन इज अ गुड पर्सन टू गो एंड क्वालिफाई एंड मे बी कम बैक ऑन आर्ट, बस इसका डिसीजन करना है। अगर उसको कागजों से डिसीजन हो जाता है दैट्स फाइन, उसकी शक्ल फोटो देख के हो जाता है दैट्स फाइन, उसके पुराने वीजा से हो जाता है दैट्स फाइन, एंड इस करके इसमें कोई वो नहीं है। समटाइम्स इन माई केस आई हैव डन सम केसेस वेयर आई वॉज शॉक्ड कि इसको वीजा मिला कैसे, जबकि अकॉर्डिंग टू मेरा एक्सपीरियंस था इसको वीजा नहीं मिलना चाहिए था, और जिनको मैं समझता था इनको वीजा शर्तियां मिल जाएगा, उसको वीजा नहीं मिला। मसलन कि मैं किसी का नाम लिए बगैर मैं बताऊं आपको कि उनके पास करीब करीब अबू धाबी का दिरहम कम से कम 1.5 लाख दिरहम उसके पास बैंक बैलेंस था। 1.5 लाख दिरहम कितना होता है, दैट्स अबाउट $50,000, आई मीन $50,000 अराउंड। 1.5 लाख दिरहम करीब उसके पास बैंक बैलेंस था। पिछले वो मेरे ख्याल 10-11 साल से ट्रैवल किया, मतलब वो काम कर रहे थे वहां पर, तनख्वाह भी अच्छी थी, तनख्वाह भी उसकी कम से कम मैं समझता हूँ उसकी कम से कम $5,000-6,000 थी इतनी डॉलर में। इन अबू धाबी ही वॉज इन ट्रेड, और उसकी वाइफ भी वहाँ रहती थी, बच्चे भी थे, 2 प्रॉपर्टी वगैरह भी थी पाकिस्तान में, और लेकिन उनको वीजा नहीं दिया। उसका रीजन उन्होंने डाल दिया कि यू विल नॉट कम बैक टू द कंट्री ऑफ रेसिडेंस विच इज अबू धाबी, मतलब दुबई में आप वापस नहीं आओगे, उनका वीजा नहीं दिया। तो अब मैं सोचता था कि अब इस बैकग्राउंड को आप अपने से कंपेयर करो तो देखिए कि वो तो कहीं आगे निकला हुआ है, बहुत फासला है, लेकिन वही अबू धाबी ऑफिस जो आपको वीजा दे रहा है और आपके दोस्त को वीजा दे रहा है वो इनको वीजा नहीं दे रहा है, तो इसमें अब क्या क्या मानेगा कोई आदमी। अब ये कहेंगे वो हम पे मेहरबान है इस वक्त। बस ये तो मेरे बात हो रही है, जब वक्त जब 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 वक्त सही होता है तो फिर बस हाँ। तो एक पता नहीं है, वो कल भी मैं पढ़ रहा था कि जब हम क्रिकेट में खेलते हैं ना, जब हम बल्ला लेके खड़े होते हैं और बॉल आती है, तो जब वक्त सही है तो जहां बल्ला घुमाए बॉल वहीं आती है एक्चुअली, तो छक्का पड़ जाता है उस वक्त। तो यही बात है कि इट इज वेरी मिस्ट्री फॉर मी। किसी चीज को अरूज मिलना होता है, किसी चीज को अरूज मिलना होता है तो अल्लाह पाक फिर सारी जो है ना ताकतें उसकी तरफ मोड़ते हैं कि चलो यार इस चीज को अरूज मिलना हो, तो हाँ अल्लाह पाक खैर करे सर इसमें। तो मैंने भी सऊदी से एक केस किया था, आज से उसको भी 2 साल या 2.5-3 साल ना हो गए, शायद 2 साल तो हो गए मिनिमम। वो एक पाकिस्तानी एक पासपोर्ट होल्डर थे और उनके 4 बच्चे थे शायद, या 6 मेंबर थे, हस्बैंड वाइफ एंड 4 बच्चे स्टार्टिंग फ्रॉम यू नो छोटे स्कूल गोइंग ऑल द वे हाई स्कूल तक। और सऊदी से किया था, रियाद से किया था हमने उनका वीजा और स्टडी वीजा, और उनकी एज थी 40+ तो होगी शायद, 40+ इन दैट रेंज। और उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, पैसे भी ठीक है जो भी सऊदी में शो करते हैं। उनका सऊदी से स्टडी वीजा लगा विथ हस्बैंड एंड वाइफ को डिपेंडेंट वर्क परमिट एंड बच्चों को स्टडी वीजा, तो 6 लोगों को इकट्ठा लगा है विद इन अबाउट आई थिंक 7 डेज और सो, 7 to 8 days। सो ये भी होता, और उसके बाद सऊदी से और भी लगे, 3-4 और ऐसी फैमिलीज के लगे हैं, लेकिन एक और फैमिली थी, अब मैं नाम क्या लूँ किसी का, लेकिन उनका भी सेम बैकग्राउंड, मोर लेस सेम बैकग्राउंड, लेकिन सऊदी ने रियाद ने उनको रिफ्यूज कर दिया, जबकि दे हैड द सेम बैकग्राउंड समथिंग विदाउट सम यू नो। तो हो सकता है कभी कभी ना वो फेवरेबल कहीं हवा चलती है, आंधी चलती है कभी, तो उसमें लोग बह जाते हैं, वीजा आ जाते हैं। बाकी इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से कि कोई ऐसा कोई फॉर्मूला होता है ना जिसको कहते हैं एक फॉर्मूला हो जाए, ऐसे फॉर्मूले को ऐसे उसको डांट फेंके और निशाने पे तीर लग जाए,
इनको कंस्ट्रक्शन में लोग चाहिए, ट्रेड में लोग चाहिए, तो बजाय इसके कि हम अगर फोकस कर रहे हैं बिजनेसमैन, बिजनेस वीजा, ये फलां एबीसी, या एचआर मैनेजर या सीईओस, तो वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, विजिट वीजा लेना बड़ा मुश्किल है बजाय जी बिल्कुल। आज ही सवेरे किसी के कॉल आई इंडिया से, वो भी बिजनेसमैन थे पहले, मेरे को मिले थे आज से 3-4 साल पहले, उन्होंने मेरे को अभी सवेरे बताया कि उनको उनको विजिट वीजा मिल गया। मैंने कहा क्यों, क्या पर्पज शेयर किया, कहते बस हम तो ऐसे घूमने के कहा था, घूमने जा रहे हैं, विजिट वीजा मिल गया। सो अल्टीमेटली वी हैव नो आइडिया ह्यूमन फैक्टर क्या है, मशीन फैक्टर क्या है, किसको मिलेगा, नोबडी नोस। बस ये है कि $100 फीस लगनी है, तुक्का है, लग गया नहीं तो कोई बात नहीं, रिफ्यूजल फीस $100, बाकी ये है कि अगर मतलब जो ट्रेड वाले हैं, ट्रेड को अगर एक अभी आंधी चल रही है तो ट्रेड वाले अगर निकल रहे हैं तो दैट्स वंडरफुल न्यूज़ फॉर स्पेशली ट्रेड पीपल। और लेकिन ये है कि हर एक इंसान जो ट्रेड वाले, जैसे आप हैं प्लम्बर है, मशीन है, सबको क्योंकि उनके पास मिनिमम 5-6 साल का एक्सपीरियंस होगा, तब जाके उसको वो क्वालिफाई करेंगे एक्सपीरियंस के बेस पे, तब लेटर आएगा, और इंग्लिश भी अच्छी होनी चाहिए, थोड़ी बहुत होनी चाहिए। उसकी कितनी फीस पे करी है आपने उसके टेस्ट के लिए, मतलब $500 की फीस है? सर टोटल जो फर्स्ट मेरी फी थी वो थी $120, फिर उस वक्त एग्जाम की फीस थी $100 और वीजा फीस थी $185, इट्स मीन $405। नहीं, जो आपको इनविटेशन आया जो ट्रेड का टेस्ट लिखने के लिए, उसके पहले असेसमेंट की फीस कितनी थी? $120। कौन से बीसी का? ब्रिटिश बीसी का। अच्छा, हमें तो कोई बता रहा था कि $400-500 तक उसकी फीस है असेसमेंट, इनिशियल फीस। क्यों, वो कोई आपसे लूटने वाला होगा, आपको लूट रहा होगा। नहीं, पता नहीं, मैं तो करता नहीं, मैं तो उनसे कहता हूँ कि तुम इनविटेशन अपने आप करो, असेसमेंट करो, उसके बाद फिर जाना। अच्छा, इसकी हाँ, शहर ऐसी अल्बर्टा में है और इधर आपकी मैनिटोबा सास्कातून, यहाँ पर ज्यादा हो सकती है शायद। चलो, कोई जितनी भी फीस है वो तो देनी पड़ेगी, वो तो उसके बगैर तो आगे एप्लीकेशन जाएगी नहीं। तो वो असेसमेंट करते हैं एक्सपीरियंस का और फिर आपको बुलाते हैं, और वो तो दरअसल बुलाई जा रहा है, भी वेरिफिकेशन होती है, कॉल्स आती हैं पीछे, ईमेल्स कॉल्स आती हैं, मैं कहता हूँ वो पूछते हैं, आपकी कंपनी का डोमेन होता है ना जो ईमेल डोमेन, उसके ऊपर मैं कहता हूँ ईमेल्स आती हैं और वो कहते हैं कि अपनी ऑफिशियल ईमेल से हमें डेटा भेजें। इवन अब तो जो है रेड सील वाले बैंक स्टेटमेंट तक मांग रहे हैं कि आपने सैलरीज ट्रांसफर की है इसके अकाउंट में, अब रेड सील वाले ये मांग रहे हैं। जी जी, वो जो सूबे वाले प्रोविंस वाले मांग रहे हैं। या ओंटारियो में देख लें, ओंटारियो का जो ट्रेड का एग्जामिनेशन है उसमें $400-500 फीस है, यहाँ पर 120 नहीं है शायद, क्योंकि अब बिना ब्रिटिश कोलंबे पे इतना रश हो चुका है ना, इतना रश जिसकी इंतहा कोई नहीं। जब मैंने अप्लाई किया था और अभी लास्ट वीक मैंने एक बंदे से जब रब्ता हुआ तो सिंह साहब इस वक्त तक तकरीबन 15,000 लोग क्रॉस कर चुके हैं। 15,000? वाह, हाँ जी। और अगर आप उस सिर्फ फीस $120 भी लगाएं, 15,000 को 120 में आप दें, तो कहाँ अमाउंट कहाँ से कहाँ निकल गई होगी। ओ या है, ओ पैसे तो सब बनाएंगे, पैसे तो, आई मीन ऑफ कोर्स दे विल मेक सम मनी, आई मीन देयर इज नो यू नो इट इज अ मनी मेकिंग स्प्री फॉर देम एज वेल, पर वो ठीक है। चलो, ये तो इसको कहते हैं बहती गंगा में हाथ धो रहे हैं सब, वो आप चल रहे हैं, जिस जिसका फायदा हो रहा है तो हो रहा है। आपके चैनल से वैसे तो ये है कि मैं अब कोशिश कर रहा हूं, अभी मैंने कि बाकी स्टेट्स की तरफ से भी काम शुरू करें, हम देखें बाकी स्टेट्स क्या ले रही हैं, बाकी स्टार्ट क्या दे रही हैं, क्योंकि बाकी स्टेट्स में कोई लोग अप्लाई नहीं कर रहे, ऑन्टारियो इधर उधर अल्बर्टा कोई लोग अप्लाई नहीं कर रहे, वो लोग सबसे पीछे बैठे हैं। चलो, अच्छा है, अच्छी बात है कि हो गया। बाकी क्या, आपका टेस्ट कब है? मेरा 23 नवम्बर को है। 23 नवम्बर को, तो उसकी तैयारी कैसे करते हैं आप, अपने आप पढ़ रहे हैं, कोई पढ़ा रहा है, कोचिंग है, क्या है? बकायदा एडवाइजर दिया है उन्होंने, वो पढ़ा रहा है ब्रिटिश कोलंबिया रेड सील। अच्छा, तो उन्होंने एडवाइजर दिया आपको? हाँ, उन्होंने मुझे एडवाइजर दिया, वो मुझे पढ़ा रहा है, मुझे बताता है हर चीज, उसका कोई खर्चा नहीं है, नो, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर तो वो आपके, फिर तो मजे ही मजे हैं। और मैं वो पहला पाकिस्तानी हूँ जिसको उन्होंने ऑफर भी की कि आप यहाँ पे कोर्स भी शुरू कर लें आज, ये फ्री ऑफ कॉस्ट काम भी करें, काम, अच्छा, काम सीखें। अच्छा अच्छा अच्छा, काम सीखें, काम डिफरेंट है ना, बहुत फर्क है हमारे एशियन में और इधर, काम में बहुत फर्क है, हमारे वहाँ के पाकिस्तान के जो पाइप है उनको कटना, यहाँ कर, यहाँ के पाइप पे बड़ा फर्क होगा। यहाँ तो सिटी कोर्ट पे काम होता है ना, वहाँ तो जुगाड़ू काम है, लगाओ काटो इधर उधर खत्म। सही बात है, सही बात। तो इसके बाद आपके जो जैसे प्लम्बर का, इसके बाद आपकी क्या प्लानिंग होगी इसमें, जैसे टेस्ट पास कर लिया और टेस्ट का आपको रिजल्ट देते हैं वो, उसके बाद तो फिर क्या, आप ट्रेड सर्टिफाइड बन जाओगे,
तो आपको कहीं भी आप जॉब अप्लाई कर सकते हो, कहीं भी हो सकता है आपका काम। तो सर इस दौरान मेरे साथ अभी 3 से 4 कंपनियां मेरा इंटरव्यू कर चुकी हैं, अच्छा, बट सिर्फ वो रुके हैं मैं सिर्फ इसलिए कि मेरी सर्टिफिकेशन का कुछ, क्योंकि सर्टिफाइड होंगे तो वो कुछ देंगे ना। दैट्स राइट। लेकिन अब तक वो मुतमईन है कि भी आप काम कर लोगे वो जो जो काम है यहाँ का। हाँ उन्होंने कहा, लेकिन उससे उनसे मेरी बातचीत, उन्होंने मुझे कहा कि हम आपको सिखाएंगे भी, ट्रेन भी करेंगे, बट आपके पास सर्टिफिकेट होनी चाहिए आपके पास। जैसे मेरे एक सब्सक्राइबर यहाँ उतरे थे, वो थे अपना ऑटोमेटिव टेक्नीशियन थे, उन्होंने एग्जाम नहीं दिया बट उन्होंने जॉब ढूंढी और उनको जॉब लगी और उनको वर्क परमिट भी मिला, लेकिन अब वो तैयारी करके अब एग्जाम देने जा रहे हैं। तो उनको हो सकता है कि उनको एज ऑटोमोटिव टेक्नीशियन रख लिया हो, मैकेनिक के लिए जब वो सर्टिफाई होंगे तब मैकेनिक, टेक्नीशियन राइट? टेक्नीशियन दैट्स अ पॉसिबिलिटी। वो तो क्या है, वो तो कागजी कार्रवाई है, उसमें क्या है कि अब फ्लोर पे रख लिया, आपको सीखते रहे, धीरे धीरे शागिर्द आपका तो बन जाए। पहले मैं ये दे दिया, वर्क परमिट तो दे दिया ना, या, बड़ी बात। उससे आगे आपकी एक्सपेंशन ट्रिक कर सकती है, बहुत सारे काम हो सकता है उससे आगे। तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग बैक, एंड जरूर आप आपको स्पेशली जो पाकिस्तानी के जो पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर्स इन मिडिल ईस्ट, डेफिनेटली उनको होगी हौसला अफजाई होगी कि भी हाँ भी हम भी अब करें अप्लाई। और मैं तो कहता हूँ कि सऊदी में जो बैठे हैं वो जरूर करें फटाफट, जब तक उसकी वो प्रॉपर वो चल रही है, अभी है, मौसम अच्छा है वहाँ पर। तो जी हाँ बात, हाँ सऊदी से जरूर करें, अगर सऊदी में अगर इस तरह है तो। पर वो उन्हें अपना इनविटेशन तो अपने आप ही मंगाना पड़ेगा, पहले इनविटेशन मंगाना पड़ेगा, वो सब करना पड़ेगा। और जो मैंने यहाँ देखा उसके अंदर अब ये कि वो सीधा सीधा लोग अब डील मार रहे हैं ना, डील कर रहे हैं 5,000 डॉलर फॉर वो ऑल। अच्छा, नहीं वो 5,000 डॉलर वो तो एक जरूर दुकानदारी है, बिजनेस एक वो प्रमोशन टाइप है। ये है कि अगर इनिशियल जैसे आपने कहा कि 120 डॉलर और फलाना का 200-300 डॉलर खर्च भी हो जाते हैं, अगर अपने आप वो इन्विटेशन मंगा लेते हैं फिर तो मेरे ख्याल है कि 1,000 डॉलर से कम के खर्चे में आप यहाँ कनाडा पहुंच सकते हैं। लेकिन लोग करते नहीं है, लोग कहते हैं जुगाड़बाज यार हमारे सर से जान छुड़ाओ, खुद कर रहे हैं सब कुछ। मुझे पता है लोगों के पास पैसा, वो कहते हैं दूसरा दूसरा बंदा करके मेरे को दे दे, बस वीजा पकड़ा दे मेरे को बस। हाँ, ये बात है, ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग बैक। आप एग्जाम पास करें और फिर देखें कहाँ पर जॉब करते हैं क्या है, और एक बार वर्क परमिट मिल गया तो आपकी फिर फैमिली वगैरह भी आ सकती है सारी। तो अब आप देखिए आपके केस में, इफ यू डोंट माइंड, अब देखिए आपके केस में, दिस इज माई लास्ट कॉमेंट ऑन दिस। देखिए यू आर अ गुड कैंडिडेट, आपके पास गुड इंफॉर्मेशन, क्रेडेंशियल्स हैं, डॉक्यूमेंटेशन, एवरीथिंग है। विजिट वीजा आपको मिला है कि भाई यू हैव इंटेंट टू रिटर्न बैक टू पाकिस्तान, विच यू विल नॉट। मैं जा चुका हूँ, नहीं आप जा चुके हैं लेकिन फिर आ गए ना, मैं एग्जाम देने आया हूँ, आई डोंट नो, मैं अच्छी फिर चला अच्छी जाऊँ। बात है, अच्छी बात है। देखिए यही मैं इमिग्रेशन को कहता हूं कि जब आपको पता ही है कि जो क्वालिफाइड आदमी है, जो स्पेशली क्वालिफाइड टेक्निकल आदमी है, वो वापस अपने कंट्री क्यों जाएगा, जब उसे पता है पाकिस्तान में उसको तनख्वाह मिलनी है उसकी मुश्किल से 500 डॉलर, यहाँ मिलनी है 5,000 डॉलर, तो वो क्यों जाएगा? अगर ऐसी अपने सिचुएशन देख रहे हैं, अब रियलिटी है, तो आपको वो लाइन ही क्यों डालते हो कि यू विल नेवर कम बैक, आप लाइन को हटा ही दो। सिंह साहब इसका मुझे फायदा क्या हुआ जाने का, मुझे हाँ इमिग्रेशन में वापसी में किसी ने कुछ नहीं पूछा, हाँ जस्ट वेलकम। वो तो आपका रिकॉर्ड बन गया ना, आपका रिकॉर्ड बन गया, वो तो आना जब वो ठीक है, वो अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो, लेकिन अगर आप वापस नहीं जाते तो आप क्या कर लेते कोई, आप यहीं पर अगर मतलब के 6 महीने रहते रहते कुछ भी करते रहते और बाद में उसको एक्सटेंड कर लेते तो आप कौन रोक लेता, क्योंकि एक बार तो आप दाखिल हो चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल मेरा बस मेरा इमिग्रेशन से कहना ये है कि अगर आप जानते हो कि कोई वापस जाने का इरादा नहीं रखता तो आप इसको उस लाइन को यूज करते क्यों, आप क्यों कहते हो किसी को कि वापस नहीं आएगा, सिर्फ ये बात है। बिल्कुल जैसे जैसे आप हो, जैसे टेक्निकली क्वालिफाइड हो, इन फ्यूचर आप यहाँ पर रहकर आपका 100% इरादा है कि जॉब लें, फलाना करें, सेटल हों, फैमिली को बुलाएं और पीआर बने, फिर इन फ्यूचर इमिग्रेंट सिटीजन बने, आपका पूरा प्लान आगे 10 साल का प्लान बना हुआ है। और ऐसे हर एक का होगा, मतलब मोर और लेस एवरीबडी इन डिफरेंट कंट्रीज दे मस्ट बी थिंकिंग लाइक दिस। लेकिन उनको इनिशियली जो एक जंप है विजिट वीजा का, अगर वो नहीं मिलेगा तो वो कैसे शुरू होगा, ये बात। ठीक है, ठीक है, चलो। तो कि थैंक यू वेरी मच, जो कुछ हुआ अच्छा हुआ, आपकी आपके
वो बात वो जाती है ना, मुस्तकबिल जिसका जहां जैसे बना हुआ है उसका ऐसे ही निकलना है, उसका दाना पानी वैसे ही उसको खींच के ले आना है उसको वहां पर। और ये बहुत इट विल ऑलवेज रिमेन अ मिस्ट्री टू मी, किसका क्या होता है, किसका क्या होता है। आपको कोई सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं, बाकी हमने बहुत काफी सवाल पूछे आपसे। सर थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, आपने याद किया हमें और हम हाजिर हो गए आपकी दरगाह में। नहीं नहीं थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग बैक, एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग एट सम इंफॉर्मेशन अबाउट प्लम्बर ऑल्सो, के प्लम्बर का सर्टिफिकेशन तो एक मैंडेटोरी है इन इन प्लेसेस लाइक यू नो प्रीटी मच लाइक नोवा स्कोशिया ओंटारियो वगैरह ये है, लेकिन आपको अगर कोई प्लम्बर की जॉब देना चाहे इट इज वॉलंटरी इन ब्रिटिश कोलम्बिया। अगर ब्रिटिश कोलंबिया में अगर कोई एम्प्लॉयर आपको प्लम्बर की जॉब देना चाहे, इट इज़ नॉट मैंडेटोरी कि वो आपको ट्रेड सर्टिफिकेट के पे ही रख सकता है, वो आपको ट्रेड सर्टिफिकेशन के बगैर भी प्लम्बर दे सकता है इफ दे आर कन्विंस यू कैन डू द जॉब। सो आई एम जस्ट लुकिंग एट राइट नाउ इट्स वॉलंटरी इन ब्रिटिश कोलंबिया, मैनिटोबा, न्यूफाउंडलैंड, लैब्राडोर, यूकॉन, नॉर्थ वेस्ट एंड नूनावुत, यहाँ पर सारा एक वॉलंटरी है। मतलब आपको कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास रेड सील का सर्टिफिकेट हो तभी आप प्लम्बर बन सके। ओके बट सर उसके वही प्रॉब्लम LMIA और ये चीजें वर्क परमिट वो एक इशू तो है। नहीं वो उसमें कोई इशू नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि हाँ हो सकता है कि आपको तनख्वाह कम दे, लेकिन LMIA वो इस वजह से मना नहीं कर सकते कि यह बंदा क्वालिफाइड नहीं है। अच्छा हाँ इस वजह से मना नहीं कर सकते वो। अब जैसे जैसे मैं वेल्डर ढूंढ रहा हूँ आजकल, मेरे पास वेल्डर की रिक्वायरमेंट है यहाँ पर अल्बर्टा में, लेकिन अब वेल्डर के लिए अल्बर्टा में आपको सर्टिफाइड होना जरूरी है, उसके बगैर आप टेस्ट नहीं कर सकते वेल्डिंग का काम। ठीक है ओके थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, टेक केयर, खुदा हाफिज़।